हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दिवाली की सुबह कुछ ऐसे हुई, एक तो इतना दिन से काम हो रहा है बट फिर भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, आज भी बहुत काम है। सबसे पहले तो किचन में गई, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर फ्री हो गई, अभी सब कुछ चेंज करना है। तो यहाँ के लिए ना मैं डाइनिंग टेबल के लिए बहुत सुंदर कवर सेट मंगवाई थी अमेजोन से, बट वो नहीं आया। तो ये मैं पहले से ही एक ऑप्शन लेके रखी थी, तो वही बिछा दी जो कि अच्छा लग रहा था। और दिवाली में ये छोटा छोटा चीज़ ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद मैं आई अपने रूम को थोड़ा ठीक करने के लिए, तो मैं आज न्यू चादर बिछाऊंगी, ये देख सकते हो। ये मैंने एग्जीबिशन से लिया था, बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर है चादर। बट मेरे को ना मतलब थोड़ा लाइट लाइट लग रहा था, मुझे ना थोड़ा ब्राइट बिछाने का मन कर रहा था। इधर पूजा रूम में माँ और गुड़िया जी भी आई हुई हैं, तो वो लोग पूजा रूम को सफाई कर रही थी। और फिर मैं फटाक से ये इस टाइम जो एग्जीबिशन में गई थी ना अभी रिसेंटली, दिवाली का शॉपिंग आप देखना, तो वहाँ से ली थी और ये बहुत सुंदर लग रहा था चादर। एंड उसके बाद अपना रूम को मैंने ठीक कर दिया, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो मैं बाद में करूँगी। अब मैं आई रोहित जी के रूम में, यहाँ पे भी इनका रूम बहुत मेसी होकर रखा था, फिर मैंने इनका रूम को भी ठीक कर दिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा चीज़ को चेंज करने से ना मतलब लाइक अब सब कुछ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें भी नया लगा दो ना तो बहुत खूबसूरत हो जाता है रूम। फिर आए हम माँ का रूम में, माँ का रूम भी कुछ ऐसे हो रखा था। और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हो ना, वॉलपेपर अभी नया लगा है, बहुत सुंदर लग रहा था पूरा ना, मतलब वॉल कैसा हो गया था, तो इस लगा लेने से ना बहुत खूबसूरत लगता है। एंड उसके बाद मैंने बिछा दिया नया चादर, ये भी एग्जीबिशन का है, बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर ये सब जो अभी रिसेंटली हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, वो सब जगह का चादर है। फिर आए गुड़िया जी के रूम में, इनका रूम में भी कर्टन से मैचिंग चादर बिछाए हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो छोटा छोटा काम है लेकिन टाइम बहुत लगता है। फिर इतने में बहुत सारा पटाखा रोहित जी लेकर आए थे, इस बार तो दम भर पटाखा फोड़ूंगी मैं। और फिर ये छोटी माँ का रूम है जो कि यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखे वो सब हटा दूंगी, उनके रूम में भी नया चादर बिछा दी हूँ। ये सब फूड मैट यानी रनर बिछेगा, मासी जब आएगी पोछा ओछा लगा लेगी उसके बाद। और ये रही मैं, देख सकते हैं मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, आज थर्सडे भी है, तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए और पहले पूजा करूँगी। जैसे ही वॉशरूम में जा रही थी कि मेरा फ़ोन बजा और कुरियर वाले भैया आए, एक रिटर्निंग मेरा लेने के लिए और एक पार्सल देने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि अभी क्या आया है, तो अभी मैं इसको ओपन करके देखूंगी इसमें क्या है। थैंक यू भैया, हैप्पी दिवाली। एंड ऊपर लेकर आई थी उसको, एक हाथ से बहुत ट्राई की खोलने का बट ये खुल नहीं रहा था। फिर मैंने दोनों हाथ का लगाकर थोड़ा सा पैकेट खोला और इसमें निकलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, तो मैं ऑर्डर की थी डाइनिंग टेबल का सेट, बहुत सुंदर सा वही आया है, बहुत प्यारा, इतना सुंदर कलर इसका है ना, एकदम पॉपअप है। तो मैं सोची अभी बिछा दूँ क्या ये वाला, वो हटाकर, पर मैंने रहने दिया, मैंने बोला वो भी तो मैंने नया ही बिछाया तो फिर इसको ऐसे ही रहने दी। और उसके बाद फिर नहा कर आई मैं पूजा घर में, यहाँ पर देख सकते भगवान जी लोग एकदम चकाचक, इतने नए नए कपड़े पहन लिए हैं। उसके मैं फटाफट मैंने पूजा किया, कथा पढ़ा, आरती पढ़ी, उसके बाद फिर मैं रूम में आई और यहाँ पर ये नारियल पानी पी रहे क्योंकि आज इनका फास्टिंग है, शाम को ये पूजा में बैठेंगे तो इसलिए ये भूखे हैं दिन भर। और फिर यहाँ पर अगेन शाम का पूजा का तैयारी पूजा रूम में चल रहा है, इधर माँ किचन में शाम का खाना का थोड़ा प्रिपरेशन कर रही है। अभी मैं भी जाऊँगी, मैं बोली तब तक आप करिए, मैं रंगोली बनाकर आती हूँ फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट रंगोली बनाना स्टार्ट की, बहुत शॉर्टकट में मैंने बनाया, देख सकते हैं कैसा लग रहा है रंगोली, जरूर बताइएगा। अभी थोड़ा दिया वगैरह लग जाएगा ना तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और साइड साइड में भी डेकोरेशन करना था, रंगोली बनाना था बट उतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर देख सकते तोरण, तो आप लोग देखे ही होंगे मेरे एग्जीबिशन वाला ब्लॉग में, तो वहीं से लिए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो डेकोरेशन बाकी था वो गुड़िया जी कर रही थी नीचे। फिर मैं आ गई किचन में, यहाँ पर देख सकते पूरा किचन मेशी होकर का है, बट कोई ना अभी आपको ऐसा दिख रहा है, अभी मैं नेट एंड क्लीन करके भी दिखाऊंगी। मासी आके बर्तन वगैरह धोकर चली गई है, फिर आएगी थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन कुछ ऐसे से, बीच में खाना भी बना रहे थे, देख भी रहे थे, कर भी रहे थे। और ये देखो सारा कुछ क्लीन हो रखा है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारे मेनू में क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था पुलाव, माँ बनाई है, एंड उसके बाद मैं बनाई पनीर का सब्जी जो कि बहुत यम्मी हुआ था। और फिर बना है तड़का, यहाँ पर देख सकते हैं, देख कर ही टेस्टी लग रहा है ना। और बहुत सारा हम लोग के घर में पकौड़ी तो कंपलसरी है, आज के दिन बनता ही बनता है, उसका मसाला रेडी है, बस छानना बाकी है, वो खाने के टाइम में छनाएगा। और यहाँ पे आटा भी मैं गूंथती हूँ, पूड़ी भी बाद में छानूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना, ओल का चोखा खाया जाता है, तो वो ये रहा। तो उसके बाद ये सब बन के रेडी है, अभी बस मैं माँ को चाय बना के दे दी, माँ गई हैं फ्रेश होने के लिए, वो पूजा करेंगी। और मैं सोची कि अब मैं भी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा पी कर थोड़ा सा आराम करके फिर मैं भी जाऊँगी फटाफट
फटाफट रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे मेकअप का वीडियो भी शूट करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम है वो 4 बज गया है पक्का, और मैं मस्त बैठ के चाय बिस्किट खा रही हूँ। सुबह में बस ब्रेकफास्ट की थी, उसके बाद हम लोगों का तो लंच गोल हो गया इसी चक्कर में। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने घर चमकाया ना, वैसे भी अपना मूवी चमकाऊंगी। अभी मत देखो, अभी मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ। और यहाँ पर मैं नेल पेंट दिखा रही हूँ, यही कलर का मैं ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ये देखो आप, यहाँ पे गुड़िया जी साइड साइड में बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे भी बना है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर सब लाइटिंग वाइटिंग हो गया, उतने में हमारे खरगोश महाराज जी नीचे आ गए। मैं बोली जाओ ऊपर भाई, तुम तो रंगोली पे ही चढ़ जाओगे। और बिफोर एंड आफ्टर देखो, पहले मेरा रूम ऐसा था, कुछ ऐसा हो रखा था, फिर मैंने ऐसा बना दिया। अभी मैं लाइट भी जला के दिखाऊंगी, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी कुछ कुछ बाकी था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं वैष्णो देवी चली गई थी, तो बहुत कुछ मेरा लेना नहीं हो पाया। तो खैर कोई ना, नेक्स्ट टाइम मैं पहले से सब कुछ लेके रखूंगी। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। फिर बारी आता है कलर वर्क का पैकेट। तो अभी मेरे को जो मेकअप लुक क्रिएट करना है ना, वो कलर वर्क का प्रोडक्ट्स ही करना है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली न्यू परचेज की हूँ, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ड्रेस दोनों जन का, मैं अपना और अपने पति देव का। तो यहाँ पर हम लोग पहनने वाले हैं मैचिंग मैं पहनने वाली हूँ, थोड़ा डार्क, और इनके लिए मैंने लिया है थोड़ा लाइट, जो कि बहुत सुंदर लगेगा जब हम लोग वियर करेंगे तो दिखाएंगे। तो देख सकते बहुत सुंदर लग रहा था, और मैं फटाक से अपना ड्रेस पहन भी ली, बहुत सुंदर लग रहा था यार। मैं क्या ही बताऊँ, मेकअप का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मुँह चमकाने के लिए, अलग से वीडियो शेयर करूँगी, तो मैं आती हूँ मेकअप करके। हैप्पी दिवाली आप सभी को। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, मैं भी आपको अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी, तो आप लोग कमेंट जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट करने का कोशिश की। एंड ये मेकअप ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया है, जो कि इसके बाद आप लोग से शेयर करूंगी, तो आप लोग जरूर जाके देखना। तो फिलहाल माँ पूजा कर ली और सारा जगह अभी दिया जला रही, वो मैं दिखाऊंगी, और अभी पूरा घर दिखाऊंगी। इतना सुंदर लग रहा ना कि क्या ही मैं बताऊँ, सब जगह दिया जल रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले पूजा रूम से स्टार्ट करते हैं। मेरा रूम तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एंड मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी जब ये आ जाएंगे। ये भी फ्रेश होने गए हैं, ये रेडी हो जाए उसके बाद, क्योंकि यही सूट कर पाएंगे मैं अकेले, कैसे ही करूँगी। बाकी मैं बैक मिरर से दिखा सकती हूँ। सो मैं पहनी हूँ सरारा, तो पहले चलिए सब चीज देखकर आते हैं, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। एंड मेरा गाल देखो कितना ग्लो लग रहा है, बहुत मस्त हाइलाइटर है यार, बहुत। मैं न्यू प्रोडक्ट्स यूज की हूँ, वो सब में आपको मेकअप ट्यूटोरियल में ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर सब जगह दिया लग गया है, सारा दरवाजा के सामने, झाड़ू के सामने, पीछे, और यहाँ पे देखिए आप, पूरा मंदिर में दिया जल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली आप सभी को। आप सभी को शुभ दीपावली मेरी तरफ से। बहुत सुंदर लग रहा है, वो वो वो। तो माँ रोहित जी मिलकर सब जगह दिया लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर ऑफिस में पूजा होगा तो उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। सारे सामान एक जगह रख ली, फल वगैरह भी रख ली हूँ, बस खुद कटिंग करूंगी, और पटाखा भी ले ली हूँ थोड़ा सा वहाँ पे छोड़ने के लिए, मजा आएगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मस्त लग रहा है कुर्ता, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी भी और भी दिया लगाना है, अभी मैं जा रही हूँ दिया लेकर नीचे रंगोली के पास लगाने का। तो यहाँ पर मैं 7-8 दिया ले लेती हूँ वहाँ पे जगह जगह पे रखने के लिए। मैंने वैसे सोचा नहीं है, हमेशा मेरा काउंट किया हुआ रहता है कि मुझे यहाँ लगाना है। अभी मैं एक अंदाज लेकर आई हूँ, और ये लोग बोल भी रहते हैं कि रंगोली बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा ना यहाँ पे आप देखो ध्यान से, सुबह है ना, सुबह के ऊपर मैं लाइन लगाना, वहाँ पे मैंने व्हाइट कलर डालना ही भूल गया, मतलब इतना हड़बड़ हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ, सब कुछ करना पड़ता है ना मैनेज, इसी कारण से कुछ ना कुछ रह ही जाता। तो खैर कोई ना, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग दिया लगा रही हूँ, और दिया लग जाने के बाद इतना सुंदर लगता है ना रंगोली। मैं फोटो वीडियो सारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हूँ, आप जरूर जाके एक बार देखना। इंस्टाग्राम मेरा आईडी है राजप्रिया29, एंड नीचे हम लोग रूम पर रेंट दे कर रखे हैं, तो वो लोग भी बहुत सुंदर डेकोरेशन करके रखे थे, एंड ये नीचे का पूरा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, पंडित जी आ चुके हैं, और ये देखिए पूरा घर कितना सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है, बस माँ का वेट कर रहे हैं, और गुड़िया जी और रोहित जी थोड़ा बाद में आएंगे, वो लोग सब जगह दिया लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम, माँ और ये निकल गए, और अभी उनको मैं दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि हम जिस टाइम आए उस टाइम गुड़िया जी रेडी हो रही थी। फिर यहाँ पे बाबा पूजा का सारा प्रिपरेशन किया, मैं भी उनका हेल्प कर रही थी, और ये देखिए हमारे गन्नू महाराज कितने प्यारा स्टैचू लेकर आए हैं, दोनों भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर फाइनली यहाँ पर पूजा स्टार्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूजा चल रहा है, अभी थोड़ा देर पूजा चलेगा। अधिष्ठात्रेभ्यो नमः। छोड़ दी
दिन भर जल छोड़िए पतरा गोपर भीतर तो यहाँ पे जूली जी भी आई हुई थी बट थोड़ा देर के लिए फिर वो चली गई। और यहाँ हमारा आरती हो रहा और पूजा भी अच्छे से हो गया। बाबा बहुत अच्छे से पूजा करवा दी और करवा के चले गए क्योंकि उनको और जगह जाना था। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा हो रखा था। अब बारी आया था पटाखा छोड़ने का तो देख सकते हैं रोहित जी एकदम सबसे पहले उठा कर लेकर गए हैं फूल जड़ी लेकर गए हैं शायद गुड़कुन जिसको हम लोग बोलते थे। ये देखो ये ना मतलब ऐसे देखने में ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ना बहुत मन करता है कि ऐसे ये जल रहा हो और साइड में हम खड़े रहे और मेरा फ़ोटोज़ क्लिक हो बट हो ही नहीं पाता है। मतलब इतना ख़राब फ़ोटो आता है ना बट इंस्टा में पता नहीं लोग कैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं कि बहुत अच्छा आता है। शायद हमको लगता है सामने आगे और पीछे दोनों जगह जलाते हैं कि क्या कुछ समझ में नहीं आता बट लेकिन इंस्टा पर अच्छा आता है बट मेरा तो एकदम नहीं अच्छा है। फिर बारी आया मेरा एक पटाखा फोड़ने का। ये मुझे ना बहुत पसंद है लेकिन सात आवाज़ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बट ये सिंगल साउंड करता है एक बार ही ऊपर जाके फूटेगा। लेकिन जो ऊपर में देखने को मिलता है ना ये देखो दिल वाली दिवाली हो गई। तो यहाँ पर हम लोग चार जन माँ पापा जी मैं और ये तो माँ पापा जी मैचिंग पहने यहाँ मैं और ये मैचिंग पहने और सब सोच रहे हैं कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनवा रही थी। हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे। और यहाँ पे फोटोज इतना अच्छा रहा था ना मैं सब इंस्टा पे शेयर करूँगी आप लोग जरूर देखना। फिर हम लोग यहाँ से निकले क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगा था स्पेशली इनको। और ये काली मंदिर भी बहुत अच्छे से सजा था मैं बस बाहर से ही दर्शन कर ली माँ का। और फिर हम पहुँचे घर पंडित जी ने मुझे खोइचा में दिया था एप्पल जो कि मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी। और आते के साथ मैं आ गई किचन में अपने ड्यूटी पर सब लोग खा लिए थे बस मैं बाकी थी और रोहित जी। तो फिर मैं गई अपना खाना निकालने के लिए और मैं वैसे इनके साथ ही खाती हूँ हमेशा बट ये सुबह से भूखे थे तो सबसे पहले मैंने इनको ही खिलाया सब कुछ गरम गरम। और फिर हम सोचे कि चलो अब मैं भी खा लेती हूँ सब लोग खा लिए हैं और अब रोहित जी भी आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पुलाव और तड़का ले लिया उसके थोड़ा सा मैं ओल का चोखा ली। मैं ज़्यादा नहीं खाती बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हूँ तो इसीलिए इसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं इधर पकौड़ी छान रही थी मेरा पकौड़ी भी हो गया है। मुझे बैगन का बहुत पसंद है इसीलिए मैं अपने लिए बैगन का पकौड़ी छान रही थी। उसके बाद फिर मैं गरम गरम पूड़ी छानूंगी और दो पूड़ी मैं लेकर जाऊंगी कुछ इस तरीके से। बाकी इसमें लड्डू और वो पकौड़ा चीज़ याद रहना क्या पकौड़ा खाइएगा बताइए। सॉस सॉस आप दीजिएगा हमको बैठ जाएंगे तब। गोभी कर लीजिए बैगन लीजिए। तो यहाँ पर मैं खाना स्टार्ट किया और ये पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको खाना। ये लोगों को खाना खा के बहुत मज़ा आया मुझे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर यहाँ पर मैं आराम से धीरे धीरे अपना खाना एंजॉय किया और खाना मैंने इतना खा लिया कि आकर फटाक से लेट गई। मस्त खाना खा के हम लोग लेटे हैं सोचे कि ऊपर में जाएंगे थोड़ा और पटाखा वगैरह फोड़ेंगे और साथ में रील्स वगैरह भी बनाऊँगे बट इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है कि क्या पटाखा फोड़िएगा क्या ऊपर जाइएगा। भगवान बोले बस बहुत हुआ बहुत तुम लोगों ने पॉल्यूशन फैला लिया अब नहीं अब जाओ सब सुतो आराम करो। तो हम लोग भी आके लेटे हैं इधर ये लेटे हैं इधर मैं लेटी हूँ। और अभी वैसे हम लोग सोचे कि रूम में ही दो चार रील्स बनाएंगे तो देखते हैं उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो ऊपर जाएंगे अगर बारिश छूटी तो। अभी तो बहुत बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन उस बीच में ना पटाखा का आवाज़ भी आ रहा है लोग पता नहीं कैसे फोड़ ले रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है आवाज़ आ रहा है ना। ठीक है देखते हैं आगे कैसे क्या। 12 से ज्यादा हो गया है और अभी तक बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है हमारे साइड में। मैं वेट कर करके थक गई हूँ मेरा फेस से भी आपको थकावट दिख रहा होगा क्योंकि दिवाली के वाला दिन इतना काम रहता है ना एक तो काम खत्म होने का नाम नहीं लेता है। और एक बात तो सच है कितना मेहनत के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आप मतलब सुकून मिलता है उसको देख कर पूरा घर देख कर इतना अच्छा फील हो रहा है चारों तरफ देख कर इतना सुकून लग रहा है ना मन ही नहीं कर रहा हटने का बट थोड़ा बहुत वो हो गया कि ऊपर जाके बहुत मस्ती करना था तो खैर कोई ना वो तो अच्छा हुआ हम लोग ऑफिस के सामने थोड़ा बहुत पटाखा वगैरह फोड़ लिए नहीं तो वो भी रह जाता है घर के चक्कर में। तो मैं थोड़ा बहुत लेकर गई थी तो वो इंजॉय हो पाया एंड पूरा थकावट हो गया है बैंड बज गया है। मैंने मेकअप भी 5 बजे से ही करके रखी हूँ अब मुझे बहुत अनईजी लग रहा है और मैं एक दो रील्स भी बनाई हूँ। तो अगर अब तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजप्रिया 299 ओवी। और आज का
पूरा ब्लॉग देख करने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। जो भी मैंने छोटा मोटा किया हर कुछ मैं अपनी तरफ से आप लोग से शेयर की हूँ और अपनी तरफ से प्रिपरेशन करने का कोशिश की हूँ। मेरा रूम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, थू 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 नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रहा सच में यार, देखो मतलब इतना अच्छा लग रहा ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कल एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, कल काली पूजा भी घूमने जाऊंगी, वो सब दिखाऊंगी, यहाँ पे काली पूजा भी बहुत अच्छे से होता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप ये ब्लॉग आप लोग को देखकर अच्छा लगा होगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।